सुप्रभात कक्षा चार, कैसे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं और समय पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 9। हमारे पाठ का नाम है हरा भरा हरियाणा। तो हरियाणा जो है हमारे देश का एक राज्य है जो पहले पंजाब में था, पंजाब से अलग हुआ एक अलग राज्य के रूप में, और इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है प्यारे बच्चों। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने अपने मित्र को पत्र लिखा है और उसमें हरियाणा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ हरा भरा हरियाणा। पेज नंबर 60 निकाले थे सभी बच्चे। प्रस्तुत पत्र में हमारे देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा की स्थिति तथा प्राकृतिक सुषमा का आकर्षक वर्णन किया है। प्राकृतिक सुषमा मतलब कि प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन लेखक ने अपने इस पत्र में किया है जो उन्होंने अपने मित्र को लिखा है। परीक्षा भवन नई दिल्ली 11 अक्टूबर 20। प्रिय विनायक, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे सिरसा के केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिल गया है। पापा जी के स्थानांतरण के समय सभी मेरे बारे में काफी चिंतित थे। गुजरात से हरियाणा आकर सब कुछ बदला सा लग रहा है। यहाँ की बोली भिन्न है, यहाँ के निवासियों का रहन सहन और खान पान भी भिन्न है। तुमने हरियाणा राज्य के विषय में जानकारी मांगी थी, सो मैं तुम्हें यह जानकारी देने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। तो लेखक जो है उनका जो दाखिला है सिरसा के केंद्रीय विद्यालय में हुआ है। लेखक गुजरात से, लेखक के पिता का स्थानांतरण हुआ है गुजरात से हरियाणा में। तो गुजरात का रहन सहन खान पान वो अलग था और अब हरियाणा का खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, बोली है, भाषा है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पे सभी लेखक के बारे में चिंतित थे कि कैसे वो वहां पे अपने आप को उस माहौल में ढाल पाएंगे। लेकिन फिर उनके मित्र को लेकर पत्र के द्वारा वहां के बारे में, हरियाणा के बारे में बताते हैं। स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था। 1 नवंबर 1966 को इसे स्वतंत्र बनाया गया। तो हरियाणा जो था पहले पंजाब में था, पंजाब राज्य का एक अंग था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया और हरियाणा एक अलग राज्य बन गया। हरियाणा भारत का एक ऐतिहासिक राज्य है। हरियाणा जो है भारत का ऐतिहासिक राज्य है। इसमें भारत की प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। महाभारत का युद्ध इसी राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, वहां पे महाभारत का जो ऐतिहासिक युद्ध है वो लड़ा गया। यहाँ प्रसिद्ध सरस्वती नदी बहती थी जिसके किनारे वेदों की रचना हुई। आज ये नदी लुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे पहले पौराणिक समय में सरस्वती नदी बहती थी जिसके किनारे के ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, लेकिन आज वो नदी जो है वो क्या हो गई, लुप्त हो गई, मतलब अब वो दिखाई नहीं देती। हरियाणा में हिसार के निकट एक किला है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के समय की बस्ती छुपी हुई है। हिसार को पहले राखीगढ़ कहा जाता था। हड़प्पा के बारे में आपने सुना होगा। तो हरियाणा के पास में जो है किला, हिसार के पास में एक किला है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का की बस्ती छिपी हुई है, उसके अवशेष वहां से खुदाई के दौरान मिले। और हिसार को पहले क्या कहा जाता था, राखीगढ़ कहा जाता था, मतलब पहले हिसार का नाम जो था राखीगढ़ था। हरियाणा के प्रसिद्ध नगरों का वर्णन प्राचीन पौराणिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। हरियाणा के कुछ नगरों के नाम अब बदल चुके हैं, अब वे नगर है। तो बहुत सारे ऐसे नगर है जिनका नाम बदल दिया गया है। तो वो नगर है महीम जिसका पहले नाम था महिपता, रोहतक को पहले रोहितक कहा जाता था, गुड़गांव का पहले क्या नाम था गुरुग्राम, कैथल कपिस्थल, अमरोहा अमरोदक,
यहाँ घर घर में ट्रैक्टर तथा अन्य आधुनिक तकनीक पर आधारित कृषि यंत्र उपलब्ध है। तो यहाँ के जो किसान है वो वैज्ञानिक ढंग से नए नए वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के लिए। सबके घर में ज्यादातर आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे और जो भी नई नई तकनीक निकलती है कृषि से संबंधित तो उनका उपयोग अपनी खेती बाड़ी में करते हैं। उद्योग धंधों में भी हरियाणा अन्य राज्यों के मुकाबले आगे निकल गया है। गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुना नगर और जगाधरी हरियाणा के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। तो खेती बाड़ी में ही उद्योग के मामले में भी हरियाणा क्या है अन्य राज्यों से आगे निकल गया है। हरियाणा में अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। फरीदाबाद में सूरजकुंड और बड़तन झील पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र है। गुड़गांव के निकट सोमना और सुल्तानपुर का पक्षी विहार प्राकृतिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। तो गुड़गांव के निकट जो सोमना और सुल्तानपुर का जो पक्षी विहार है वो प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। करनाल के निकट चक्रवर्ती झील और कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर भी विशेष आकर्षण के केंद्र है। हरियाणा ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कृषि विद्यालय आदि से हरियाणा वासी शिक्षा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों तथा कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष यात्री ने हरियाणा की शान में चार चांद लगा दिए। तो कपिल देव है और वीरेंद्र सहवाग है, ये भी कहां से है, हरियाणा से है। आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा जो अंतरिक्ष में गई थी, तो वो भी कहां से, उन्होंने भी हरियाणा की शान में चार चांद लगाए, मतलब हरियाणा का नाम रोशन किया। यहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के हैं। यहाँ अनेक लेखक और कवि हुए हैं। सिरसा, कैथल, फरीदाबाद और गुड़गांव नगर साहित्य और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। हरियाणा वासी हरियाणा राज्य की विशेषता प्रकट करते हुए कहते हैं, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो हरियाणा वासी जो अपने हरियाणा के बारे में उसकी तारीफ में कहते हैं कि देशा में देशों में सबसे अच्छा देश क्या है, हरियाणा है कि जित दूध दही का खाना, मतलब जहाँ पे दूध दही का खाना है वहां पे आपको भरपूर मात्रा में दूध दही खाने को मिलेंगे। अर्थात देशों में हरियाणा विशेष प्रदेश है जहाँ के निवासी दूध और दही खाते हैं। आशा है गुजरात में बैठे बैठे तुम्हें हरियाणा की झलक मिल गई होगी। तो लेखक ने अपने मित्र को हरियाणा के बारे में इतनी सारी बातें बताई कि वहां पे कौन से पर्यटक स्थल है, वहां की ऐतिहासिक विशेषता क्या है, वहां का खाना पीना कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। तो ये सारी बातें लेखक ने पत्र के द्वारा बताई और उनसे कहा कि तुम्हें पता चल गया होगा हरियाणा के बारे में, कुछ झलक जो है हरियाणा की मेरे पत्र द्वारा मिल गई होगी। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र पुलकित गर्ग। तो पत्र लेखन बच्चों एक सुंदर कला है। आज के जमाने में हम देखते हैं अभी के समय में ये पत्र व्यवहार थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि हमारे पास मोबाइल आ गए, मोबाइल जैसे हम आजकल मैसेज कर देते हैं, फोन से बात कर देते हैं, तो पत्र व्यवहार